हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ट्यूटोरियल सीरीज। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग टू डिफरेंट एल्गोरिदम्स। मैंने आपको दोनों एल्गोरिदम्स के बारे में बताया था, उन्हें कंपेयर करके दिखाया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में गाइस हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है मैंने इस टॉपिक को आपको पहले भी पढ़ाया है, बट तब हमने कलर के बेसिस पे पढ़ा था। और आज हम लाइव वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करा के उसे ट्रैक करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स। हम किसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले जस्टिफाई करेंगे, फिर उसे ही ट्रैक कराएंगे अपनी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है। चलते हैं अपने आईडीई के पास और स्टार्ट करते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडी स्पाइडर। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ कोड लिखा है और ये भी लिखा है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो जो एल्गोरिदम हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मीन शिफ्ट एल्गोरिदम। मीन शिफ्ट एल्गोरिदम क्या करती है, कैसे करती है, सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैक कराना है तो मीन शिफ्ट की हेल्प से करा सकता हूँ, बट ये एल्गोरिदम इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको सिलेक्टेड और स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देती है। बट फिर भी हम इसे अच्छे से सीखेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है जिसका नाम है कैम शिफ्ट, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है और उसकी वर्किंग समझने के लिए हमें इसकी वर्किंग आनी चाहिए। तो मीन शिफ्ट जो वर्क करता है, ये आपकी एक विंडो क्रिएट करता है। विंडो में किसको कह रहा हूँ गाइस, एक ऐसी इमेज, एक टारगेट जिसकी हेल्प से आप अपनी पूरी वीडियो में कहीं पर भी उस जैसा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करा सकते हो। जैसे कि हम अगर मैं बताऊं तो टेम्पलेट मैचिंग में हमने एक इमेज क्रॉप करी थी और उस इमेज को हम मैच करा रहे थे, तो कुछ उसी तरीके से ये एक विंडो क्रिएट करेगा। मतलब कि सेट ऑफ पिक्सल्स को मैं विंडो बोल रहा हूं, और अगर उस जैसे पिक्सल पूरी वीडियो में कहीं पर भी मैच होते हैं तो ये उसे आपको डिटेक्ट करके दे देगा। ये जो वर्क करता है प्रॉपर हिस्टोग्राम बैक प्रोजेक्शन की तरह वर्क करता है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हमने ये अच्छे से पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में। तो जो इसकी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग है वो यही है कि सबसे पहले आप एक टारगेट फिक्स करोगे, उसके बाद उसका हिस्टोग्राम बैक प्रोजेक्शन बनाओगे, बनाने के बाद आप उसे टारगेट को अपनी वीडियो में पास करोगे, और जो भी आप एक बाउंडेड रेक्टेंगल बनाओगे या जो भी आप डिटेक्ट कराने वाले हो, आपको उसे एक इनिशियल लोकेशन देनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एट लास्ट जो भी आपका फालतू की चीजें है उसे आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इतना कुछ है और हमें ये सब इंप्लीमेंट करना है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कोड दिखाऊंगा, इस कोड से आप लोग फैमिलियर हैं। ये सिंपल सी एक वीडियो है, आपने कैप्चर कर लिया है और उसे आप डिस्प्ले करा रहे हो। इस कोड से आप फैमिलियर हो, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस कोड का यूज करा था, मैंने इसे ऑपरेट कराया गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेम वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपकी जो यहाँ पर ह्यूमंस घूम रहे हैं, मैं इन्हें डिटेक्ट कराने वाला हूँ। तो देखते हैं कैसे करा सकते हैं। अभी के लिए मैं वीडियो बंद करता हूँ और ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले आपने काम कर लिया, अपनी वीडियो को रीड करा लिया, रीड करने के बाद आप उसे फ्रेम बाय फ्रेम डिस्प्ले करा रहे हो। आप मुझे एक इनिशियल विंडो बनानी है, एक इनिशियल विंडो का सेटअप करना है, यही होगा मेरा टारगेट। मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेस्ट कर दिया छोटा सा स्निपेट। ये क्या है, सेटअप इनिशियल लोकेशन ऑफ विंडो, मतलब जहां से आपका टारगेट ट्रैक होगा। अब जैसे सपोज करो ये आपके जो कोऑर्डिनेट है आप कैसे लेके आओगे, तो ये भी मैंने आपको बताया है, मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। ये मैंने इसे ऑपरेट कराया गाइस, और इसका सपोज करो मैंने क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लिया। आपको यही करना है, आपको इस वीडियो को प्ले करना है और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी भी ह्यूमन बीइंग का, जैसे कि यहाँ पर ये इंडिविजुअल मूव कर रहा है, तो आप इस स्क्रीनशॉट में से इसके कोऑर्डिनेट्स गेट कर लोगे और उन कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पर पास कर दोगे कि उसका एक्स वाई और एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 x2 y2, मतलब यहाँ पर x1 y1 यहाँ पे x2 y2। तो इस तरीके से आप ये कोऑर्डिनेट गेट करके और इसमें पास कर दोगे। ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई कि आप एमएस पेंट में जाके कोऑर्डिनेट कैसे गेट कर सकते हो, तो यार मुझे नहीं लगता कि बार बार बताने की जरूरत है सेम ही चीज। आपने क्या करा, सिंपली एक्स वाई विड्थ और हाइट ये सारी चीजें निकाल ली, और निकालने के बाद एक प्रॉपरली ट्रैक नाम के वेरिएबल में एज अ टपल पास कर दिया है। मतलब ये आपकी एक इनिशियल लोकेशन हो गई। इसके आगे जो स्टेप करने है गाइस वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको बनाना है आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को शो रहा होगा। ROI क्रिएट करना है, आपके जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं, जो भी ये कोऑर्डिनेट है उसमें पास होंगे, एक्स भी पास होगा और वाई भी पास होगा, और जो ये हाइट और विड्थ है उसमें प्लस होके एक रेक्टेंगल बना देंगे, उस रेक्टेंगल में आपका ये डेटा कैप्चर हो जाएगा। मींस आपने एक ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मैंने सपोज कर लो कि ये जो फ्रेम है इसे कैप्चर कर लिया। अब ये जो बॉडी मूव कर रही थी इसको मैंने कैप्चर करके यहाँ पर इसके लोकेशन पास कर दिए, इसकी पिक्सल वैल्यूज और ROI से उसे इजिली गेट कर लिया है।
अब अगर मैं इसे HSV में कन्वर्ट नहीं करूंगा गाइस, इसे कन्वर्ट करने का मोटिव यही है बिकॉज मुझे हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। हिस्टोग्राम की हेल्प से ही बैक प्रोजेक्शन बनाऊंगा और उसी में आपके सारे के सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके दिखाऊंगा। तो सिंपली मैंने HSV निकाल लिया है, किसका, अपना ROI का HSV निकाला है, जो कि मैंने अभी एक रेक्टेंगल क्रिएट करा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इतना करने के बाद मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। इसमें हम करने वाले मास्किंग। यहाँ पर तो मैंने सिंपल ROI के लिए क्या करा है, HSV में कन्वर्ट करा है, मैंने लिखा है HSV ROI। जो भी आपकी BGR है, BGR से HSV में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब क्रिएट करना है मुझे एक मास्क, तो मास्क क्रिएट करेंगे और ROI की हेल्प से मैं जो भी यहाँ पर आपका HSV आ रखा है हिस्टोग्राम क्रिएट कर लूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, बस मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कंबाइन करके दिखा रहा हूँ। ये सब चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। मास्क के लिए आपको पता है इन रेंज वैल्यू पास करते हैं, अपना HSV पोर्शन पास कर दो, ROI जो भी आपने निकाला था, और ये एक स्पेसिफिक एरे है जो कि आपका थ्रेशोल्ड डिफाइन कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो हमने इसे यूज करा था कलर ट्रैकिंग में, इसे एज अ अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू पास करा था, तो बस मैंने इसे वेरिएबल में ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पर पास कर दिया है। ये वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको थ्रेशोल्डिंग वगैरह निकालनी बताई है, तो उसी तरीके से ये वैल्यूज भी फिक्स है कि मिनिमम ये होनी चाहिए, मैक्सिमम ये होनी चाहिए। मास्किंग के बाद मैंने क्या करा है, जो भी मेरा मास्क बना है मैं उसका हिस्टोग्राम बना रहा हूँ। ये पैरामीटर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जब हम हिस्टोग्राम पढ़ रहे थे। ये होता है आपके हिस्टोग्राम के जो भी डेटा आएगा यहाँ से, जो भी कैलकुलेट होकर डेटा आएगा, वो ये आपका यहाँ पर आपकी पिक्सल वैल्यूज पास होती रहेंगी। ये क्या है, आपका चैनल। जब आपने अपनी इमेज को HSV में कन्वर्ट कर लिया है दोस्तों, तो ये सिंगल चैनल पे वर्क करेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पास करा है। ये है आपका मास्क। मास्क के बाद आपने ये हिस्टोग्राम की एक रेंज पास करी, और रेंज पास करने के बाद ये सिंपल उसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज है कि एक्चुअल में उसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज की रेंज क्या होगी। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ इन माय प्रीवियस वीडियोस। और यहाँ पर आपने अपने हिस्टोग्राम को नॉर्मलाइज कर दिया है। इतना करने के बाद गाइस आगे का काम देखते हैं क्या है। अब मुझे टर्मिनेशन बनाना है। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि जो भी एरिया में टर्मिनेट करना चाहता हूँ वो एरिया में टर्मिनेट करके बाकी को एक्सेस कर लूंगा। तो ये आपका सिंपल, ये नया है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ये दो स्पेसिफिक टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से आप टर्मिनेशन परफॉर्म कराने वाले हो। CV जो कि CV अपनी आपके कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करते हैं, एक ये और एक ये, और ये है आपके और ऑपरेटर का साइन। तो चाहे ये ऑपरेट होगा या फिर ये वाला ऑपरेट होगा, और ये है नंबर ऑफ इटरेशन कि कितनी बार चलना चाहिए, एंड एट लास्ट योर नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब एक इटरेशन, ये तो नंबर ऑफ इटरेशन होगी कि आपकी जो ये क्राइटेरिया है टर्मिनेशन का, कितनी बार चलना चाहिए और कितने पॉइंट से इसे मूव करते रहना है हर बार। तो लास्ट में मैंने बोल दिया कि यार 1-1 पॉइंट से इसे मूव भी कराते रहना। तो इस तरीके से मैंने अपना ROI जनरेट कर लिया है। मैं इतना कोड आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो ये मैंने ऑपरेट करा गाइस, और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो मैंने अभी ये वाला जो ये मेरा ह्यूमन बीइंग था इसको डिटेक्ट करा था और वो मेरा इस ROI में आ चुका है। मैंने इतना काम करा है, दैट्स इट। अभी के लिए बंद कर देते हैं। तो ये रिजल्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। इतने काम से मेरा बस ये हुआ है कि जो मैंने ROI बनाया था, इस ROI को मैंने HSV में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद उसका हिस्टोग्राम बना के उसे नॉर्मलाइज कर लिया है। आगे के स्टेप्स क्या होंगे गाइस, आगे का आप अपने लूप में आ जाओगे। इतना काम आपका हो गया है, आपको आपका टारगेट मिल गया है, आपको आपका सिंपल टारगेट मिल गया है कि जिसको आप, जिस पे आपको ऑपरेशन कराना है, इसी को आपको पूरी इमेज पे या पूरी वीडियो को वीडियो में ऑब्जर्व करना है। पूरी वीडियो में इसके जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा तो ये उस पर अपना एक रेक्टेंगल बाउंड कर देगा। तो चलिए आगे का फर्दर प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये लूप लगाया है, फ्रेम को कैप्चर करता रह रहा हूँ, और जब तक मेरा फ्रेम चलता रहेगा जब तक RAT में वैल्यूज आती रहेंगी, मतलब जब तक RAT ट्रू रहेगा आपके फ्रेम भी बनते रहेंगे और फ्रेम बनते रहेंगे तो यार आपका पूरा कोड चलता रहेगा। तो इसमें मैं अपनी पूरी वीडियो का HSV कन्वर्जन करने वाला हूँ। यहाँ तो मैंने ROI का करा था, इसके बाद आप सिंपल पूरी वीडियो का कन्वर्जन करोगे। तो ये देखो HSV में आपने अपनी पूरी वीडियो के फ्रेम्स को कन्वर्ट करा है। यहाँ तो सिंपल आपने उसका HSV निकाला था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने सिंपल ROI का ही HSV निकाला था, बट यहाँ पर आप अपनी पूरी वीडियो का HSV निकालोगे और निकालने के बाद उसका हिस्टोग्राम कैलकुलेट करोगे। आपने अपने ROI का भी हिस्टोग्राम कैलकुलेट कर लिया और आपने अपनी पूरी वीडियो का भी हिस्टोग्राम कैलकुलेट कर लिया। अब जहां पर भी ये दोनों मैच होंगे वहां पर आपका रेक्टेंगल बन जाएगा और बाकी का एरिया टर्मिनेट हो जाएगा। और अब मैं अप्लाई करूंगा अपना मीन शिफ्ट एल्गोरिथम। तो जो भी मैंने अभी तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे, टर्मिनेशन, अपना मास्क, ओके, ये सारी की सारी चीजें मेरी इस एल्गोरिथम में पास हो जाएंगी। एक इस लाइन के लिए मैंने ये सारा कुछ यहाँ पर बनाया है जो कि आप लोगों को दिख रहा है।
तो देखो गाइस क्या है यहाँ पर भी सिंपल, ये भी दो पैरामीटर रिटर्न करेगा, तो एक को मैंने आरईटी में सेव करा लिया और एक को मैंने ट्रैक में सेव करा लिया है। सीवी डॉट मीन शिफ्ट आपके एल्गोरिथम का नाम है। ये क्या लेगा, सबसे पहला पैरामीटर क्या लिखा है मैंने अभी, डीएसटी। डीएसटी का मतलब है कि जो भी आपका एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में आपकी पूरी वीडियो के फ्रेम्स का हिस्टोग्राम बना हुआ है, ये आपका हिस्टोग्राम बन के इसमें सेव हो चुका है, तो आपने ये भी यहाँ पास कर दिया। जो ट्रैक कराना था, जो कि आपने यहाँ पर बनाया था, वो भी पास कर दिया। देखिए ये रहा आपका ट्रैक, मतलब कि आपका टारगेट यहाँ पर मैंने बना दिया था वो पोर्शन, ये भी आपने यहाँ पर पास कर दिया है। और एट लास्ट जो टर्मिनेशन की, जिस भी पोर्शन को आपको टर्मिनेट करना है और कितनी बार वो चलेगा, वो भी आपने यहाँ पास कर दिया। इतना काम आप लोग कर चुके हो, आपका डेटा डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे बस एक छोटा सा काम करना है, उसके ऊपर एक सिंपल सा अच्छा सा रेक्टेंगल बनाना है। तो आप लोगों को मुझे पता है कि रेक्टेंगल बनाना तो बहुत अच्छे से आता होगा। तो ये रहा मेरा रेक्टेंगल गाइस, आप देखिए जो भी आपका ट्रैक में डेटा था, ट्रैक में आपके चार कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो एक्स वाई विड्थ और हाइट, उन चारों को मैंने अनपैक कर लिया है। अनपैक करने के बाद मैं सिंपल सा एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और उस रेक्टेंगल को फाइनल नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मतलब कि मेरा रेक्टेंगल बनेगा फ्रेम्स में, फ्रेम्स में बनने के बाद आपका इस वाले वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। फाइनल के पास आपका डेटा आ चुका है और बस अब मैं सिंपली इसे आप लोगों को शो करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि मैं शो कैसे कर सकता हूं। बट शो करने से पहले मैं इसे एक बार ऑपरेट करना चाहूंगा। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे, आपका रेक्टेंगल तो बन रहा है मगर आपका फ्रेम कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा फ्रेम आ रहा है। इसे कट करते हैं और इस फ्रेम को मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ सो दैट आपको ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट मिल सके। तो चलिए मैं देख आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं इसे ऑप्टिमाइज्ड कैसे करने वाला हूँ। तो इससे तो कमेंट कर देते हैं और इसके जगह पे मैं लिख दूंगा आपका जो फाइनल है, ये जो भी फ्रेम थे इसे मैंने रिसाइज कर लिया है। रिसाइज करने के बाद इस वेरिएबल में सेव करा दिया है, फ्रेम नाम के ही वेरिएबल में सेव करा दिया है, बिकॉज यहाँ पर भी आपके फ्रेम ही लिए थे तो मैंने उसी को ही अपडेट कर दिया है। बार बार अलग अलग वेरिएबल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो रिसाइज करके मैंने सेव करा और सेव करके इसे डिस्प्ले करा दिया है। तो चलो अब ऑपरेट करते हैं और अपने आउटपुट। तो गाइस देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया था इतना अप्रोप्रिएट वर्क नहीं करेगा, बट जैसे जैसे इसे ह्यूमन बॉडी मिल रही है उसे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस है कि लाइक आपका जो रेक्टेंगल है ये अपने आप से अपनी हाइट और विड्थ एज पर दी ऑब्जेक्ट छोटा नहीं कर रहा है। मतलब जो भी यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट है या विड्थ या रोटेशन है वो फिक्स नहीं हो रही है। तो ये था आपका, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। देखो ये ट्राई कर रहा है कि यार ये इसे अच्छे से डिटेक्ट कर सके मगर नहीं कर पा रहा है। और रेक्टेंगल का जो भी रोटेशन है या हाइट विड्थ है वो फिक्स है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, इतना प्रॉपर आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। इसको रिजॉल्व करा गया है कैम शिफ्ट में। तो यार आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी कि आपने सबसे पहले आरओआई निकाला था उस चीज का जो कि आपको डिटेक्ट करानी थी, उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने सेव कर लिया, फिर उसकी मास्किंग करी, मास्किंग को हिस्टोग्राम में पास करा और उसे नॉर्मलाइज कर लिया है। आफ्टर दैट आपने टर्मिनेशन ऑब्जेक्ट सेटअप करा और इन सब को उठा के अपनी मीन शिफ्ट एल्गोरिदम में पास कर दिया है। तो ये इसकी वर्किंग थी और जो भी रिजल्ट आया आप लोगों ने डिस्प्ले करा लिया है। बट जो इसका जो बड़ा भाई है जिसका नाम है आपका कैम शिफ्ट, तो यार कैम शिफ्ट की वर्किंग क्या होती है अब हमें ये समझना है। तो बस इसे करते हैं सबको कमेंट और चलते हैं कैम शिफ्ट के पास। तो गाइस ये हो गया कमेंट और अब स्टार्ट करते हैं कैम शिफ्ट को। आई होप यार मीन शिफ्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। कैम शिफ्ट में कुछ भी नया नहीं है, मैं आप लोगों को इसका पहले बता देता हूँ कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली एडेप्टिव मीन शिफ्ट। इसमें बस हम ये चेंजेस करेंगे कि जो भी आपका बाउंडेड रेक्टेंगल था उसको हम एक रोटेशन देंगे, मतलब वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिक्स कर सकता है। तो अभी के लिए ये जो है सिंपल यही वाली एल्गोरिथम है, मैंने बिल्कुल डिट्टो वही कोड लिखा जो कि मैंने वहां पर लिखा था। इसमें जो चेंजेस हम करेंगे वो मैं आपको बता दूं, बट अभी के लिए मैं इसे ऑपरेट करके दिखाता हूं कि ये सेम वही चीज है जो कि आप लोग अभी कर रहे थे। मगर अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कैम शिफ्ट में, मैंने इसमें कैम शिफ्ट यूज करा है, मीन शिफ्ट यूज नहीं करा है, तो ये जो रेक्टेंगल है अपने आप से इनलार्ज हो रहा है। मतलब जहां जहां पर इसे लग रहा है कि मुझे ट्रैक करना चाहिए, ये वीडियो को मैंने रिसाइज कर लिया है बट इस तरफ भी इसकी कुछ एक्टिविटी हो रही होगी तो इसलिए रेक्टेंगल उधर चला गया। तो जैसे अपने आपको ये क्या कर पा रहा है, रिसाइज कर पा रहा है, बट ये कैसे कर पा रहा है यही चीज हमें यहाँ पर सीखनी है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मीन शिफ्ट की जगह सिर्फ कैम शिफ्ट लिखा है, बाकी का वर्किंग वही है। यहाँ पर एक्चुअली मैंने अप्लाई मीन शिफ्ट ही लिखा है, मैं इसे क्या लिख देता हूँ, कैम शिफ्ट लिख देता हूँ, मैं इसे चेंज करना भूल गया था। बस हमारा मोटिव गाइस यही है कि जो ये कैम शिफ्ट है, जो भी अभी आपने देखा कि मैंने अभी आपको इसे ऑब्जर्व करवाया कि जो रेक्टेंगल बन रहा था अपने आप से एनलार्ज हो रहा था एज पर दी ऑब्जेक्ट, अब मुझे इस रेक्टेंगल को रोटेशन प्रोवाइड करानी है। तो यार वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को रोटेट भी कर सके, तो ये सब चीजें कैसे होगी गाइस ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
एक बार फिर से ऑपरेट करता हूँ और कैम शिफ्ट की वर्किंग देख लो आप, ये आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आपको इनलार्ज कर सकता है। अभी इस वजह से इतना इनलार्ज हो गया क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी ह्यूमन बॉडीज है और ये इसी को डिटेक्ट करा रहा है, तो इसीलिए इतना इनलार्ज हो गया है। गॉट इट? अभी आप देखिएगा ये इनिशियल पोजिशन पे आके अपने स्पेसिफिक साइज में आ जाएगा। बट गाइस अभी के लिए मैं इसे बंद करता हूँ, और मुझे चाहिए कि यार ये जो रेक्टेंगल है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आपको रोटेट भी कर ले। तो यार वो मैं कैसे बनाऊंगा वो देखते हैं, मुझे कुछ चीजें यहाँ से हटानी पड़ेगी, उन्हें हटाने के बाद मैं फिर से एक बार और रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। तो अभी के लिए इसे और इसे कॉमेंट आउट कर देते हैं। और अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ RET, अभी तक आप लोगों को ये नहीं समझ में आया था कि यार ये RET का मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए ये रिक्वायर्ड क्यों है, तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि ये RET की रिक्वायरमेंट क्या है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल कैसे है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और आप लोगों को RET प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये रहा मेरा कंसोल गाइस, कंसोल में मैं अपनी RET की वैल्यू, कौन सी RET की वैल्यू, जो कि RET मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, दैट वन, इस RET को मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ। ये देखो तो ये मुझे क्या क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे 1, 2, 3 चीजें रिटर्न कर रहा है। ये तीन चीजें क्या है गाइस, ये है आपके एक्स वाई की वैल्यू, कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, उसके बाद क्या है हाइट और विड्थ, कि हाइट क्या है और विड्थ क्या है, आफ्टर दैट रोटेशन, कि उसमें जो एरिया रोटेशन है पिक्सल का वो कितना है। तो इन्हीं की हेल्प से मैं अपना एक ऐसा रेक्टेंगल बनाऊंगा जो कि अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रोटेट हो सके। और उसे बनाने के लिए बहुत छोटा सा काम करना है मुझे, मुझे पॉलीलाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये भी मैंने आपको बताया था जब हम शेप्स पढ़ रहे थे, बट अभी तक इसका यूज नहीं करा, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर इसका यूज करना चाहिए। तो मैंने क्या करा है, पॉइंट्स नाम के एक वेरिएबल में cv.boxPoint और RET, मतलब इस फंक्शन की हेल्प से मैंने क्या करा है, जितने भी पॉइंट इसमें आ रहे थे उनको गेट कर लिया है, जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे थे ना RET में मैंने बॉक्स पॉइंट में डाल दिया है, उसे कन्वर्ट करके PTS में सेव करा दिया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि इसमें किस तरह का डेटा गया है। जाने के बाद मैंने उसे int64 में कन्वर्ट करा है, बिकॉज इसकी भी रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे इंटीजर 64 टाइप का डेटा चाहिए, तो मैंने कर दिया है। और एक छोटा सा फंक्शन यूज करा है जिसका नाम था पॉलीलाइंस। पॉलीलाइंस में मैंने पहले फ्रेम्स पास करे, उसके बाद ये पॉइंट्स पास करे, इस पॉइंट्स में सब कुछ है, आपका एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है, जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हो गया आपका, आफ्टर दैट योर हाइट एंड विड्थ एंड एट लास्ट योर रोटेटिंग एंगल। तो यार ये सारी की सारी चीज इस वाले पॉइंट में आ गई है, ये यहाँ पर पास कर दिया गया है। और यहाँ पे मैंने ट्रू पास करा है जो कि इसका एक प्रोजेक्शन है, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो यहाँ पर मैंने ट्रू पास कर दिया। दिस इज योर कलर वैल्यू एंड दिस इज योर थिकनेस। तो आइए इसे ऑपरेट करके अब आपका आउटपुट देखते हैं कि वो किस तरह का आता है। तो चलिए इसे ऑपरेट करते हैं और फटाफट से ऑब्जर्व करते हैं गाइस। तो ये मैंने इसे ऑपरेट करा, अब अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो रेक्टेंगल है वो अपने आपको रोटेट भी कर रहा है। यहाँ पर इतना स्पेसिफिक नहीं आ रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है इस वीडियो में और ये अच्छे से वर्क भी नहीं करती है एल्गोरिथम। बट गाइस दो इसकी वर्किंग थी जो मैं कराना चाह रहा था, कि मतलब ह्यूमन बॉडी जहां भी इसे दिखे हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने आपको फिक्स कर ले, रोटेट हो। तो ये देखो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है और डिटेक्ट भी करा रहा है। बट कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन दे रहा है, तो यार वो इस वजह से क्योंकि ये जो एल्गोरिथम से वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। बट आपको पता होनी चाहिए कि यार कैम शिफ्ट और मीन शिफ्ट काम कैसे करता है, तो यार इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि जो PTS है और बॉक्स पॉइंट में जो वैल्यूज आई थी वो कैसे आई थी, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो, मैंने यहाँ PTS आप लोगों के लिए शो कर दिया है। PTS में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये उसी बॉक्स के पॉइंट है जो कि RET से दे रहा है, मतलब अगर आप RET के पास देखोगे तो इसके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट और ये क्या है हाइट और विड्थ। तो जब इसके पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट और हाइट और विड्थ है, तो ये इजिली एक रेक्टेंगल बना सकता है। बनाने के बाद उस रेक्टेंगल के जितने भी कोऑर्डिनेट थे इसने अपने आप से जनरेट करा लिए हैं, मतलब इसके बाद 100 प्लस करा तो इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचा, मतलब जो भी इसकी हाइट होगी गाइस 100 में, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। तो एक है जिसने एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ करी और एक है जिसने वाई डायरेक्शन में ड्रॉ करी, और बस उसी की हेल्प से बाउंडेड बॉक्स बना दिया है और उसी बॉक्स के कोऑर्डिनेट यहां पर आप लोगों को डिस्प्ले करा दिए हैं, और फाइनली पॉलीलाइन की हेल्प से उन पे एक रेक्टेंगल प्लॉट करा दिया है। तो यार ये थी वर्किंग आपके कैम शिफ्ट की, कुछ डिफरेंस नहीं है बस आपका एक रेक्टेंगल का, जो कि अपने आप में फ्लेक्सिबल होता है कैम शिफ्ट में, और मीन शिफ्ट में वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बस इतना सा डिफरेंस है गाइस। आई होप आपको समझ में आएगा कि यार इसकी हेल्प से आप ट्रैक कैसे करा सकते हो। मैं फ्री बोल रहा हूँ, ये इतनी रिलायबल नहीं है एल्गोरिथम्स, कलर डिटेक्शन हमारा और जो फर्दर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एल्गोरिथम इससे ज्यादा बेटर है, बट टॉपिक में थी, कोर्स में थी, तो यार बताना तो इसलिए आप लोगों को इससे फैमिलियर करा दिया है। बट ऐसा नहीं कि आप इसको कहीं यूज नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, एंड जाने से पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो अभी तक। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम होगा ऑप्टिकल फ्लो। इस वीडियो में गाइज इतना ही, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।